हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स एक टाइम पे एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे, सैम्पल प्रोग्राम्स एग्जांपल्स देखे, तो उसमें हमने सिर्फ दो थ्रेड का ही यूज़ किया। दो थ्रेड कहने का मतलब है कि एक मेन थ्रेड का यूज़ किया, क्योंकि मेन थ्रेड का यूज़ तो होगा ही। आप मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहो नहीं करना चाहो, मेन थ्रेड तो सारे प्रोग्राम्स में होगा ही। और उसके अलावा हमने एक चाइल्ड थ्रेड देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो थ्रेड्स देखे, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो इन दो थ्रेड से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकता है। तो आइए दोस्तों एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं पहले। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक जो है क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास एक लेते हैं और हम लोग, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम लोग सारा थ्रेड जो बनाएंगे उससे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ही हम लोग थ्रेडिंग, मतलब कि नया थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लास ले लेते हैं, एक क्लास कुछ भी नाम ले लो आप। न्यू थ्रेड अब तक हमने नाम लिया था, तो न्यू थ्रेड ही नाम लेते हैं। और ये इम्प्लीमेंट करता है रनेबल इंटरफेस को, तो इम्प्लीमेंट्स रनेबल। हाँ, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का लिया, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और साथ में एक थ्रेड टाइप का वेरिएबल। स्पेस कम होने की वजह से मैं एक ही लाइन पे दे देता हूँ, बट अगर आप प्रैक्टिकली करें इसे नोट पैड पर प्रोग्रामिंग या फिर किसी इन्वायरमेंट में, तो आप अलग अलग लाइन्स लें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। अब इस न्यू थ्रेड का हमें क्या लेना है, कंस्ट्रक्टर। न्यू थ्रेड, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। और इसमें हम एक आर्गुमेंट पैरामीटर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस न्यू थ्रेड का, उस टाइम पे हम लोग एक पैरामीटर लेंगे और उस पैरामीटर का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेम को असाइन करेंगे। तो इसके अंदर नेम को असाइन करना है, तो नेम इज इक्वल टू नेम लिखना सही होगा कि नहीं, दिस का यूज़ कर देते हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इसके बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो थ्रेड टी, तो टी जो हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है थ्रेड टाइप का, तो उसमें हम एक नया थ्रेड का निर्माण करेंगे और उस टी जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है उसमें वो असाइन हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ये तो हमारा क्रिएट हो गया। और ये दो आर्गुमेंट हमें पास करना होगा, एक तो दिस, चूंकि इस न्यू थ्रेड के ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो एक दिस और दूसरा नाम। तो नेम तो आपको सिंपली यहाँ पर देना होगा, नेम तो यहाँ पर हम लोग इसी बेस बेस पे ले ही रहे हैं, ये हमने दे दिया। और लास्ट में आपको अगर याद हो, पिछले शायद पिछले दो वीडियो पहले हमने सिंपल प्रोग्राम सेम प्रोग्राम देखा था, तो उसमें हमने टी डॉट स्टार्ट का यूज़ किया था, जिससे कि स्टार्ट हो जाता था और ये रन मेथड को कॉल करता था, और स्टार्ट होने पे रन मेथड एक्सिक्यूट होने से पहले ये वापस हमारा मेन मेथड में चला जाता था एक्सिक्यूशन। मेन मेथड से हमारा मेन थ्रेड पहले एक्सिक्यूट होना स्टार्ट होता था, उसके बाद हमारा जो चाइल्ड थ्रेड है या जो सेपरेट थ्रेड है वो एक्सिक्यूट होना स्टार्ट होता था। बट पहले, उससे पहले हमें यहाँ पर एक रन मेथड भी डिफाइन करना होगा। रन मेथड को डिफाइन करने के लिए पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक वॉइड रन, इस रन मेथड के अंदर ही वो सारे स्टेटमेंट्स होंगे जो हम एक्सिक्यूट करना चाहते हैं। अब आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर फॉर लूप का यूज़ किया था लास्ट जो प्रोग्राम था, तो यहाँ भी करते हैं। और आपको याद हो तो हमने ट्राई के अंदर किया था, तो यहाँ भी हम लोग ट्राई के अंदर ही करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 5, आई इज़ ग्रेटर दैन 0 और आई माइनस माइनस, ये हमने ले लिया। और साथ में थ्रेड डॉट स्लिप 1000, 1000 मिली सेकेंड लेते हैं। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों ऐसा ले रहे हैं।
और ट्राई एंड होने के बाद जो है सिंपली क्या करना है, कैच लेना है। कौन सा एक्सेप्शन हो सकता है स्लिप के कारण? इंटरप्टेड एक्सेप्शन, शायद आप लोग को अब याद हो गया हो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इसका टाइप ई लिया, ठीक है। और कुछ अगर आप कैच करके हैंडल करने के क्रम में कुछ प्रिंट करना चाहते हो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, s.o.p मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हैंडलिंग, सिंपली कुछ भी लिख दो, आप हैंडल कर रहे हो तो हैंडलिंग लिख दो, या फिर यूज़र को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो मैसेज भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद सिंपली हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा थ्रेड क्लास जो है न्यू थ्रेड, वो हमारा उसका प्रोग्राम फिनिश हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, अगर एक बार रिवाइज कर लें तो यहाँ पर हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हमने अपने थ्रेड को क्रिएट करने की कोशिश की। हमने एक स्ट्रिंग नेम लिया, थ्रेड टी, थ्रेड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल टी लिया, फिर न्यू थ्रेड, चूंकि हमारा जब भी ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उस नाम को जो हमारा नेम या स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसमें असाइन कर दिया, और जो रेफरेंस वेरिएबल टी है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नया थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें असाइन कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, ये चूंकि सेम जिस क्लास के अंदर हम कॉल कर रहे हैं उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट तो कर रहा है न्यू थ्रेड क्लास, बट थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और बिल्कुल सेम न्यू थ्रेड के कोई का यूज करके, और फिर ये नेम को भी पास कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, थ्रेड क्लास में ऐसा भी कंस्ट्रक्टर होता है हमने बात की जो कि आपका रेफरेंस वेरिएबल भी ले, रेफरेंस वेरिएबल मतलब कि ऑब्जेक्ट भी ले एज एन आर्गूमेंट, और साथ में आपका नाम स्ट्रिंग का फॉर्म भी ले, ठीक है। उसके बाद थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, चूँकि स्टार्ट मेथड को कॉल करने पे ही हमारा प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन, थ्रेड का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर रन के अंदर जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो स्टार्ट मेथड के कारण रन होगा, बट उससे पहले यह मेन थ्रेड में जाएगा, मेन मेथड में, और वहाँ पे होगा। तो आइए चलिए अब मेन मेथड लिख लेते हैं, एक दूसरा क्लास ले लेते हैं, क्लास मल्टी थ्रेड डेमो। यहाँ पर लेंगे पब्लिक, मेन मेथड का सिग्नेचर के साथ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान दें, अगर आपको याद हो पिछले वीडियोस, पिछले सैम्पल प्रोग्राम्स के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग बिना रेफरेंस वेरिएबल के ही इस न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल तो इसके अंदर ही है और इसके अंदर ही कॉल हो रहा है, तो हमें बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल के बिना हमें डायरेक्ट जो है इस थ्रेड न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। तो ठीक है, न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हाँ न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होगा आपको, पहले न्यू न्यू थ्रेड, ठीक है। इसमें नाम भी दे सकते हैं, हाँ चूंकि स्ट्रिंग नेम ले रहा है तो पहले में आप नाम दे दो वन, चूंकि ये प्रोग्राम हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी तक के प्रोग्राम्स में हमने अपने हिसाब से सिर्फ एक ही कस्टमाइज थ्रेड का यूज़ किया और एक जो पहले से अवेलेबल थ्रेड है हमारा मेन थ्रेड, तो सिंपली सिंपल सिंपली हम लोग दो थ्रेड्स के बारे में ही अभी तक तो चर्चा कर चुके हैं। अब हम संख्या को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। तो मान लिया जाए एक और थ्रेड क्रिएट किया, बिल्कुल सेम टाइप का न्यू थ्रेड, और इसमें नाम दे दिया टू, ठीक है। तीसरा क्रिएट करना हो अगर तो फिर से न्यू थ्रेड, और इसका ले दिया हमने थ्री, हाँ मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है अगर आप करना चाहो तो। और लास्ट में अगर आप चाहो, हाँ तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें भी एक थ्रेड आप दे सकते हो, मतलब थ्रेड करने का मतलब है कि जो मेन थ्रेड है उसमें भी कुछ आप कोड ऐसा दे सकते हो जो कि एक्सिक्यूट हो, तो अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा
मेन मेथड एंड हो गया, ये क्लास भी एंड हो गया। हाँ, अब अगर आप ध्यान दो तो क्या हो रहा है कि ये तीनों जो है यहाँ पर, जब हम पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, तो ये थ्रेड जो है पहला थ्रेड एक थ्रेड क्रिएट होगा और वो फिर से स्टार्ट को कॉल करके फिर से यहाँ चला जाएगा वापस, फिर से दूसरा कॉल होगा, फिर तीसरा जाएगा। तो इस तरह से क्या सीक्वेंस होगा ये कहना पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल कहा जा सकता है कि पॉसिबल है। तो सबसे पहले वन वाला ही होगा नॉर्मली एक्सिक्यूट। हम लोग देखिए थ्रेड की प्रोग्रामिंग में हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर तीन थ्रेड हैं, इस तरह से तीन थ्रेड्स क्रिएट किए गए हैं, तो पहला कौन सा एक्सिक्यूट होगा, दूसरा कौन सा एक्सिक्यूट होगा और लास्ट में कौन सा एक्सिक्यूट होगा। हाँ, तो इसलिए अगर सैंपल आप अलग अलग बार रन करोगे तो अलग अलग आउटपुट आएगा आपका। तो कभी आपका आउटपुट ऐसा आ सकता है वन, ठीक है। चूँकि हम देखिए, चूँकि हम लोग यहाँ पर कुछ प्रिंट कर नहीं रहे हैं तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा। तो इससे पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली लिख देते हैं, एस डॉट ओ डॉट पी। और क्या प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं नेम, नेम नेम ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो सकता है वन हो प्रिंट, पहला थ्रेड हो एक्सिक्यूट, टू हो, थ्री हो, और फिर से ऐसे ही। ये किसी भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकता है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप जो मैंने जो आउटपुट लिखा है वही कंपलसरीली फॉलो हो, किसी भी तरीके से ये फॉलो हो सकता है, किसी भी तरीके से एक्सिक्यूट हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में मैंने कुछ मिस किया है, चूँकि आप अगर पिछले वीडियोज़ के प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने क्या किया था कि मेन थ्रेड बाद में एक्सिक्यूट हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्लिप 1000 यूज़ किए हैं अगर, तो यहाँ पर हम स्लिप 10,000 या 2000 यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये हम लोग इस बात का एश्योरेंस हो कि हमारा जो थ्रेड है मेन थ्रेड वो सबसे बाद में एक्सिक्यूट हो। तो आपको उस वो जो सेगमेंट था, आप चाहो तो पिछले प्रोग्राम्स में, पिछले वीडियोस के प्रोग्राम्स में देख के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमारा ये पर्पस नहीं था इस वीडियो का वो बताने का, हम मल्टीपल थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उस चीज़ का ध्यान यहाँ पर जानबूझकर नहीं रखा, उस चीज़ को यहाँ पर, उस कोड स्निपेट को यहाँ पर नहीं रखा। बट अगर आप चाहो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें आपको सदा ये कोशिश करनी चाहिए, ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो सबसे लास्ट में एक्सिक्यूट हो और बाकी जितने भी चाइल्ड थ्रेड्स हैं वो पहले ही एक्सिक्यूशन उनका समाप्त हो जाए और मेन थ्रेड ही सबसे लास्ट थ्रेड बचे, ठीक है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट मेथड्स इज अ लाइफ और ज्वाइन के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।